अरे एक घूटू पनिया पिलाई दे सुगनिया, तबे हमर टूटा तो पारा नमक। बेड शेयर करना पड़ता हीरोइन बनने के लिए, क्या सच्चाई है इसकी? देखिए सब तो हमको पता नहीं है भैया, नहीं पता है? खुलेआम लोग इंटरव्यू दे रहे, आप कह रहे नहीं पता है? वो अगर टैलेंट रहेगा उसके पास, वो नहीं सोएगी तो उसको ऐसा थोड़ी काम नहीं मिलेगा। टैलेंट रहेगा काम नहीं नहीं मिलेगा, हम देंगे काम उसको, आप दीजिएगा। हाँ कंटिन्यू 10 गाना करवाएंगे। देखिए तो हमारा देखा मतलब बेट शेयर करेगा जी, छुपा ना, इस तरह का बातें होती है ना। इस तरह का बात क्या बोले, बातें होती हम सुनते हैं ना। हाँ, लेकिन सब हम देखे कभी नहीं भैया। असली तो पहले नंबर की हो भी करता है कुछ, ठीक है? इसका जो गाना के बारे में बोले हैं ये तो असली है ही है, ये तो जो खुले आम बोल रहा है आदमी गाना में, जो खुले आम नाम ले रहा है, हम लोग डबल मीनिंग गाते हैं जी। अरे घूंघटा उठावे में ल जइलै पियावा, उ अंजोरावे में सुतलै नै भूतैले कै दियावा, कि बारा जब बजलै त उ जंप मारू है, आ पलंग पर सुता के दुल्हा पंप मारो है। एक वैसे वैसे कलाकार को जूता चप्पल क्यों नहीं मारते आप? आपका आपका इंडस्ट्री को बदनाम करने का प्रयास कर, आप भी तो साथ में बदनाम होंगे। हम कैसे कुछ कर सकते हैं भैया, पब्लिक ने करेंगे, ये पब्लिक के हाथ में है ना। तो पब्लिक को मिलेगा कहां के नुकाया हुआ भाग जाता है कि आगे जान यारा बाहु भारती पटनामा में आके मुलाकात कर लेंगे हम। लेकिन उन्हें सोचा कि मतलब बढ़िया हो, बढ़िया गाना कहा बजता नहीं, असली ज्यादा बजता है। 1 मंथ में 50 मिलियन मायने रखता है, ठीक है? मगही का गाना उतना लोगों ने जितना भाई चमकी कभी जा रहा है। अब अपने दिल में कौन सा स्टार को बसा के रखे? खेसारी भैया, पवन सिंह को क्यों नहीं? अभी हमारे साथ मगही के सुपरस्टार जिनको किंग कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है, उनका नाम है रोशन भाई, हमारे साथ मौजूद है और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो भोजपुरी में जो पावर स्टार है पवन सिंह और एक ट्रेंडिंग स्टार है खेसारी लाल यादव, उसी तरह से अभी फिलहाल का जो समय चल रहा है उसमें इस तरह के पावर स्टार मगही के है रोशन रोही और एक ट्रेंडिंग स्टार है आपके आशीष यादव जी, और हमेशा पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में जिस तरह से विवाद छिड़ते रहता है, ये लोग दोनों में हमेशा विवाद छिड़ते रहता है। लेकिन अभी इनका एक बयान आया था कि मेरा ही गाना बजेगा और इनका गाना बज भी रहा है। इनका बहुत सारा ऐसा गाना है जो मिलियन में व्यूज आता है, लेकिन आशीष यादव भी काम नहीं है। कहने के लिए तो दोनों भाई हैं, लेकिन भाई भाई में भी लड़ाई होता है। तो आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रोशन रोही जी, मेरा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार प्रणाम, हम आप सबके भाई रोशन रोही, जितने लोग मुझे चाहने वाले हैं सभी को नमस्कार। आपका गाना बहुत सारा मिलियन में गया है और आप लगभग 1-2 सालों में काफी बड़े स्टार बन गए हैं, जो मगही को कोई नहीं जानता था, उनको उस मगही भाषा को आपने आगे ले जाने का प्रयास किया है। आपसे पहले गुंजन सिंह थे जो आगे ले जा रहे थे, आप लोग उस लाइन में आए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपका सबसे पॉपुलर गाना थोड़ा सा दर्शकों को एक बार सुनाइए, उसके बाद अगला सवाल होगा आपसे। अरे घूंघटा उठावे में ल जइलै पियावा, उ अंजोरावे में सुतलै नै भूतैले कै दियावा, कि बारा जब बजलै त उ जंप मारू है, आ पलंग पर सुता के दुल्हा पंप मारो है। बारह जब बजले तो जंप मारा है पलंग पर सुतक पंप, क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है वही जो आप सोच रहे हैं। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्या आप बताइए ना, आप गाए तो क्या, आप क्या सोच के गाए? डबल मीनिंग क्वेश्चन है इसमें। देखिए इसमें डबल मीनिंग है, अगर सोचिएगा तो खराब भी निकलेगा और सोचिएगा तो बढ़िया भी निकलेगा। आप क्या सोच के गाए? हम सोचे हैं कि मनोरंजन के लिए हम गा दिए हम, लेकिन उन्हें सोचा कि मतलब बढ़िया हो, बढ़िया गाना कहा बजता नहीं, असली ज्यादा बजता है। अब उसको देखिए अश्लील नहीं बोलेंगे हम, उसको बोलिए मस्ती के लिए बोलेंगे, उसको मजाक के लिए बोलेंगे, उसको एंटरटेनमेंट के लिए बोलेंगे। अच्छा, एक जो हमारा भाषा है भोजपुरी को बड़े स्तर पे पवन सिंह खेसारी लाल यादव बहुत सारे कलाकार ले जा रहे हैं, आप लोग मगही को ले जा रहे हैं, लेकिन जो भोजपुरी और मगही में जो अश्लीलता लगातार बढ़ते जा रहा है, जैसे भोजपुरी में अभी एक गाना आया था आग लग जाता, अर्जुन यादव और रानी यादव का नाम सुने होंगे। देखिए क्या इस तरह का गायक आपके सब इंडस्ट्री को बदनाम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं भैया? अश्लील तो पहले नंबर की हो भी करता है कुछ, ठीक है? इसका जो गाना के बारे में बोले हैं ये तो अश्लील है ही है, ये तो जो खुले आम बोल रहा है आदमी गाना में, जो खुले आम नाम ले रहा है, हम लोग डबल मीनिंग गाते हैं जी, हम लोग खुले आम नहीं बोलते हैं। इस गाना में खुले आम बोला जा रहा था, इसमें क्या बोल सकते हैं? पब्लिक भी है मतलब कुछ नाम। तो आपसे ये उम्मीद करेंगे कि वैसे वैसे कलाकार को जूता चप्पल क्यों नहीं मारते आप?
आपका आपका इंडस्ट्री को बदनाम करने का प्रयास कर, आप भी तो साथ में बदनाम होंगे। हम कैसे कुछ कर सकते हैं भैया, पब्लिक ने करेंगे, पब्लिक के हाथ में है ना। तो पब्लिक को मिलेगा, नुकाया हुआ भाग जाता है, आया यूपी साहब बिहार में आकर के यहाँ पे कह रहा है बिहार वाला ज्यादा पसंद है, यूपी वाला नहीं पसंद है। आप लोग इस तरह का जो गंदा कलाकार है जो खुलियाम अश्लील गाता, डबल मीनिंग चल सकता है, कैसे भाग जाएगा? वो कलाकार है, रिकॉर्डिंग करेगा, शूटिंग करेगा, कहीं भाग कहाँ जाएगा, नुकल कहाँ रहेगा? स्टूडियो में बैठ के गाना गाता है, उसको खोज ले चलेगा पब्लिक, इतना पॉपुलर थोड़ी है को मिल जाएगा। आप है कि कहीं जाते हैं लोगों को पता चल जाता है, उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। अगर भैया इसका अगर यूज किए बट तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसमें कानूनी कार्रवाई होगा जी? हाँ होगा, एकदम होगा। कानून से नहीं बच सकता है कोई, कोई नहीं बचेगा, तब तो वहां कानूनी कार्रवाई कीजिए आप, उसे तुरंत एफआईआर होगा। आप लोग का थोड़ा सा खराब नहीं लगता है कि हमारा जो माघी और भोजपुरी है उसमें इतना सील डायरेक्ट गा दिया? चाहे भोजपुरी हो दोनों अपना है, और कोई खुलेआम इतना गा रहा है भाई तो खराब किसी को लगेगा? अब पता नहीं कैसे वो लोग गा दिया है, वो लोग परिवार है कि नहीं है, अब की पता। अच्छा, आपका ये एक भाई है आशीष यादव, उनका एक गाना बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रेंड करा, बहुत अच्छा मिलियन व्यूज गए हैं, वो गाना आपको थोड़ा सा याद है? यरवा भारतीय पटना वाले? हाँ हाँ, हाँ गाना वो याद नहीं है लेकिन तो पंच लाइन हमको याद है। थोड़ा सा सुना दीजिए दर्शकों को, जैसे आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिएगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। भाईचारा का जो प्यार है आप लोग दोनों का, जो लोग कहते हैं कि विवाद होता है उसमें कटौती आएगी, लोग को ये चीज लगेगा कि नहीं एक दूसरे में सच में भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। किया गे जान यारा बाहु भारती पटनामा में आके मुलाकात कर लेगे। मगही का सबसे बड़ा बात है कि ये गाना बहुत ज्यादा बजा है, ठीक है, और रील भी काफी सारा बजा है। पहला मेरा गाना था कि तोर फाड़ लो छाती, 2 मिलियन बना था, ये भी लगता है कि उसी लेवल का भी मतलब रील बना है। उसके बाद आप देखिए बात है कि 1 मंथ में 50 मिलियन मायने रखता है, ठीक है, मगही का गाना उतना लोगों ने जितना भाई चमकी कभी उजा रहा है। और जो आपका गाना है सुगनिया करके काफी इमोशनल सॉन्ग लाए थे, सैड सॉन्ग, अरे एक घूट पनिया पिलाई दे सुगनिया तबे हमर टूटा तो पारा नमक। एक थोड़ा सा कड़वा सवाल है, जैसे जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, मगही इंडस्ट्री है, जिसमें जो लड़कियां जो मॉडल जो हीरोइन है वो काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोग का इंटरव्यू में आता है भोजपुरी का और मगही का, लोग का बयान आता है कि बेड शेयर करना पड़ता हीरोइन बनने के लिए, क्या सच्चाई है इसकी? देखिए सब तो हमको पता नहीं है भैया, नहीं पता है, खुलेआम लोग इंटरव्यू दे रहे, आप कह रहे नहीं पता है, मतलब हम देखे नहीं, लोग बोल रहे तो हम सुनिए रहे हैं, लेकिन हम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं देखे कभी मतलब किसी के साथ। कहीं तो आप छुपा तो नहीं रहे हकीकत? तो हमने देखा मतलब बेड शेयर करेगा जी, छुपा ना, इस तरह का बातें होती है ना इस तरह का बात क्या बोले, बातें होती हम सुनते हैं, सुनते हैं ना, लेकिन सब हम देखे कभी नहीं। जितना आप लोग माघी को और भोजपुरी को ऊपर ले जाने का प्रयास करें, इस तरह का जब बयान आता है लोगों का, तो क्या हमारा माघी और भोजपुरी भाषा जो है वो कभी 8वीं अनुसूची में शामिल होगा? भैया हमारा कहना है कि तू काम के लिए कुछ कर लो, तो वही इस तरह करे, हम लोग 8वें भोजपुरी को हम लोग और माघी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। कहीं यहाँ पे लड़की की लत रहती है, मानते हैं कि नहीं? मतलब काम के लिए तुम सो जाएगी, हाँ सही बात, उसने काम भाड़ में गया है, सही बात है। अब लड़की क्या, देखिए जितने भी कलाकार है जो खासकर लड़कियां, अपने मेहनत के टैलेंट के दम पे काम मिलेगा भोजपुरी में कि नहीं मिलेगा? कहा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वो अगर टैलेंट रहेगा उसके पास, वो नहीं सोएगी तो उसको ऐसा थोड़ी काम नहीं मिलेगा, टैलेंट रहेगा काम नहीं मिलेगा, हम देंगे काम उसको, आप दीजिएगा, हाँ कंटिन्यू तो गाना करवाएंगे। देखिए देखिए जितने भी आप लोग लड़कियां लोग हैं जो बेड शेयर पे भरोसा रखती हैं, वो लोग आप लोग ये सारे चीज को छोड़ने का प्रयास कीजिए। और देखिए हाथ देखे चेहरा अच्छा खासा गोरा चिटा हैंडसम है और काफी पॉपुलर है, ठीक है, और मार्केट के पास आते हैं टैलेंट वाला कोई लड़की, हम तो चाहते हैं कि न्यू आते रहे अपना, ऐसा तो नहीं ना कि टैटू वाले गर्ल का आजकल ज्यादा पॉपुलरिटी बढ़ रहा हुआ है? ये सब कुछ नहीं, टैटू हम नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, दिल में जगह दीजिए भाई को बस। अब आपने दिल में कौन सा स्टार को बसा के रखे? खेसारी भी है, पवन सिंह को क्यों नहीं, वो भी है, सब पे भारी है खेसारी, खेसारी भी अलग जगह है, अलग जगह, पवन सिंह का कौन सा जगह भैया? वो भी बड़े भैया है, उनके बारे में थोड़ी गलत कुछ गलत बोल रहे हैं।